हाय गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं लॉ एज अ करियर ऑप्शंस मिथ वर्सेस रियलिटीज के बारे में। जब आप किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में चूज करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तो दो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। या तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक होता है कि एक बार ये करियर कर लिया, एक बार तुम कुछ बन गया, लाइफ सेट है, और या फिर ये चीज आती है कि गलत ऑप्शन है, कुछ नहीं होगा, बहुत नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, सारी चीजें। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं लॉ के बारे में, मिथ वर्सेस रियलिटीज, जो कॉमन मिथ जुड़े हुए हैं इससे कि क्या हो सकता है और उसकी रियलिटी क्या है। तो सबसे पहली चीज है लॉ के बारे में कि पैसा बहुत है। कहीं ना कहीं हद तक ये सही भी है कि लॉ में बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा कुछ लोगों तक सीमित है। कुछ सेलिब्रिटी लॉयर्स जो बन जाते हैं, बड़े केसेस जीतते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली एक एक हियरिंग के 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोग चार्ज करते हैं, बट लॉ स्कूल से निकलते ही वो पैसा नहीं है। उस पैसे के लिए 10 से 15 साल की मेहनत लगती है, बहुत सारे केसेस आपको जीत के दिखाने पड़ते हैं, और तब जाके आप एक बड़े लॉयर बनते हैं। इनिशियली ये हो सकता है कि आपको 10 से 15 हजार रुपए की सैलरी से भी शुरुआत करनी पड़े, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के 1-2-3 साल मेहनत करके अपने आप को प्रूव करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके बाद पैसा बहुत है। तो मिथ ये है कि पैसा बहुत है, रियलिटी ये कि पैसा है लेकिन उसके लिए हार्डवर्क चाहिए। दूसरा जो एक चीज और बहुत कॉमनली सुनने में आता है कि बस एक बड़ा केस जीत जाओ यार, लाइफ सेट है। मतलब अगर आपने किसी एक सेलिब्रिटी का, किसी एक बड़े बिजनेसमैन का एक बड़ा केस जीत लिया तो उसके बाद लाइफ सेट है, उसके बाद तो पैसा ही पैसा है। गलत। लॉ एक केस से नहीं चलता है, लॉयर का करियर किसी एक केस से नहीं बनता है। हां, एक केस से उसे क्रेडिबिलिटी मिलती है, ज्यादा केसेस उसके पास आते हैं, बट उस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हर केस जो आपके पास आया है आपको उसे जीतकर दिखाना पड़ता है। अगर एक केस जीतने के बाद अगले 3 केस आप हार गए तो सब कुछ बैक टू स्क्वायर है, आपके पास काम ऑब्वियसली कम होगा, खत्म नहीं होगा बट कम होगा। तो ये मेहनत कंटिन्यूड है, किसी एक केस से करियर डिसाइड नहीं होता है, कंटिन्यूअसली आपको हर केस जीत के दिखाना पड़ेगा, अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा। तीसरी एक चीज लॉ के बारे में आती है, वो ये है कि बहुत क्राउडेड मार्केट है, बहुत सारे लॉयर्स हैं, तो अगर अपनी लॉ फर्म एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आज की डेट में इम्पॉसिबल है। पहले जिन लोगों ने कर लिया उन्होंने कर लिया, बट अब करना बहुत मुश्किल है। गलत। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपनी लॉ फर्म सेटअप की और बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। जरूरत है एक सही आइडिया की, जरूरत है हार्डवर्क की, और जरूरत है एक सही डायरेक्शन की। अगर एक सही डायरेक्शन में आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हैं तो आप अपनी लॉ फर्म एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसे सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। क्राउड में जो मैटर करता है वो क्वालिटी है। आप अगर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो सक्सेस के चांसेस हैं। अब आजकल जो एक बहुत चकाचौंध की दुनिया में बच्चों के सामने मैं देख रहा हूं, जो एक अट्रैक्शन है वो है कॉर्पोरेट का, कि पैसा और ग्लैमर तो कॉर्पोरेट में ही है। आपने एक और टेलीविजन सीरीज देखा है सूट्स, नहीं देखा है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो उससे और एक परसेप्शन चेंज हो गया है लॉ एज अ करियर ऑप्शन के बारे में कि कॉर्पोरेट में ग्लैमर है। कुछ हद तक सही है बट पूरी तरह से सही नहीं है। ग्लैमर आपके अपने कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे सोशल लॉ में जाएं, चाहे आप एज अ पब्लिक लॉयर जाएं, चाहे आप कॉर्पोरेट काउंसिल बने, या आप सिविल सर्विसेज जज जो बनना चाहें आप बन सकते हैं। ग्लैमर डिपेंड करता है आपकी एबिलिटीज के ऊपर, आप कैसे परफॉर्म करते हैं, कितना कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते हैं, वो आपको एक अच्छा ब्रांड बनाने में हेल्प करेगा, ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट में होना। अब एक और कॉमन चीज जो बच्चों के बीच में फेमस है कि बस एक बार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ उसके बाद तो
बहुत अच्छी सैलरी है, पैसा ही पैसा है, कुछ हद तक सही है। टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाते हैं तो प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, पैकेजेस अच्छे हैं, अप टू 5 लाख टू 10 लाख 12 लाख के आसपास का प्लेसमेंट पॉसिबल है आपके लिए। लेकिन हर बच्चे को टॉप प्लेसमेंट मिले ये गारंटी नहीं है एनएलयू में पहुंचने के बाद। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एंट्री करना पहला स्टेप है, उसके बाद 5 साल तक आपको हार्ड वर्क करना है, अच्छे मार्क्स मेंटेन करने हैं, अच्छा प्रोफाइल बिल्डअप करना है, और उसके बाद प्लेसमेंट में ही मे बी उतना ही अच्छा परफॉर्म करना है। तो एनएलयू पहुंचना अच्छे प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। सो आई विल एंड दिस वीडियो कि अगर आप लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो पहले सारी रियलिटी चेक करें। कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब।